फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम जानते हैं मार्केट में आज क्या हुआ और अब आने वाले डेज में क्या एक्सपेक्टेड है। स्पेशली हम नेक्स्ट डे के लिए देखते हैं जो अब आने वाला है वीकेंड के बाद, हमारा मंडे। आज मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड थी, लेकिन 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 अगर आप फिर से देखेंगे, मतलब तो डेली वही चीज़ें रिपीटेशन हो रही है। मैं मतलब लगता भी है यार, मैं डेली सेम ही चीज़ें बोल रहा हूँ कि मार्केट हमारे लेवल्स पे ही एग्जैक्टली वर्क कर रही है। अब आपको सामने चार्ट दिख रहा होगा। कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई ये तो मार्केट मैंने क्लोज होने के बाद बनाया है, तो आप कल वाली जाके वीडियो एक बार देख लेना यार, ऐसे कोई कमेंट करने से पहले। तो एग्जैक्टली कल जो लेवल्स बताए थे, आप देखिए लेवल्स का मैजिक आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हाँ लेवल्स पे काम करना भी सीख रहे हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो मुझे फीडबैक मिलता है, तो एनालिसिस का काम तो मेरा है, मैं आपके लिए डेली अच्छे लेवल्स ला के देता हूँ और आपको बस उन लेवल्स का ध्यान रख के वर्क करना है इंट्राडे में। सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, कोई पेड कोर्स नहीं सेल कर रहे हैं, सब कुछ फ्री आपके लिए ला के दे रहे हैं। बस आपसे क्या चाहिए होता है, आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और ज़्यादा ही अच्छे लगे तो आप शेयर कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करके। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ सपोर्ट ही मिलेगा और सब कुछ फ्री है यार, टोटली फ्री है, कुछ भी मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और आप ये मेरी कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के देख सकते हैं, कोई भी लेवल आप चेक कर सकते हैं कि जो मैं आपके लिए देता हूँ क्या वो वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं मार्केट कैसा रहा आज। मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स में ना हमें एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला। अब देखिए कितनी बड़ी कैंडल है, ऑलमोस्ट मार्केट 300 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी देख रहे हैं, पहले बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स फॉल हो गया, लेकिन हमारे चैनल से एक बार नीचे भी चला गया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही ग्रीन से रिकवरी आ गई, फिर से चैनल में एंटर कर गया। तो ये भी आपको मैं बार बार बताता हूँ कि आपको कन्फर्मेशन का भी वेट करना है कि ये लेवल ब्रेक होगा तो हमारा नेक्स्ट लेवल भी मैंने आपको दिया हुआ था, लेकिन हमें कन्फर्मेशन का वेट करना है। जल्दी नहीं है हमें कोई कि हाँ भाई एंटर कर जाओ, कन्फर्मेशन का वेट किया, भाई ग्रीन कैंडल आई फिर से चैनल में एंटर कर गए और अब देखिए फिर से हम अपर साइड एग्जैक्ट। आप देखो ना आज के जाके डे हाई देख लेना आप बैंक निफ्टी का, मैंने आपको लेवल बताया था 21,800। अब एग्जैक्टली देख लो मार्केट ने वहीं टच किया है, पहले यहाँ से अप मूव गए 300 पॉइंट्स मिले आपको, फिर वहाँ से फिर डाउन आए, एग्जैक्टली वहीं से रिवर्सल आया जहाँ रेजिस्टेंस थी। कल बताया था 21,500 सपोर्ट है, 21,800 रेजिस्टेंस है। रेंज बाउंड मार्केट में भी आपके लिए परफेक्ट लेवल्स ला के दे रहा हूँ। हाँ, और इन लेवल्स का लोग बहुत चार्ज भी करते हैं, अगर आप काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितनी मेहनत है वो हम कर रहे हैं और आपसे क्या चाहिए वो आपने आपको बता दिया है कि जस्ट आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो ये हुआ मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया, फिर हमारे इस लेवल के आसपास दोबारा मार्केट इसे टेस्ट करता रहा पर ब्रेक नहीं किया। आप देखो मार्केट इसे टेस्ट करता है, फिर ग्रीन कैंडल ग्रीन, फिर टेस्ट किया, फिर यहीं पर तो 21,500 एग्जैक्टली, फिर यहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। आखिर बार मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया, देखा मल्टीपल टाइम्स, एग्जैक्टली यहीं टेस्ट किया, फिर यहाँ एग्जैक्टली देख लिया आप, यहीं टेस्ट किया, यहाँ से बाउंस आए। तो मार्केट में इसने एग्जैक्टली ऐसे सपोर्ट को काम किया, आप यहाँ से बार बार बाइंग कर सकते थे। अपर साइड हमें सेलिंग भी देखने को मिली, तो एग्जैक्टली इस रेंज बाउंड मार्केट में इस चैनल के अंदर ही रहा मार्केट। मैं कह सकता हूँ 95% ऑफ द डे मार्केट इस चैनल के अंदर ही था और ये मैंने आपको एक दिन पहले बता दिया। लेवल्स पे कैसे वर्क करना है वो आप सीखे, वो मैंने काफ़ी वीडियो में एक्सप्लेन करता रहता हूँ, मैं डे टू डे वीडियो में सेपरेट वीडियो नहीं बनाई है पर मैं वीडियो के अंदर ही काफ़ी बार आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज चार्ट एनालिसिस ना मैंने आपको बताया था कि उसका मैं डिटेल एनालिसिस आऊँगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि डिटेल एनालिसिस आना है तो मुझे काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए, मैं कल कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो लाऊं। तो चार्ट्स का जो आज डिटेल एनालिसिस है ना वो कल के लिए रखते हैं, आज ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। हाँ एक बार निफ्टी और देख लेते हैं, क्या निफ्टी में भी लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क हुआ या नहीं, निफ्टी भी चेक कर लेते हैं आपके लिए एक बार। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेवल के अबव ओपन हुआ एग्जैक्टली, लेकिन फॉल आया मार्केट में, ठीक है, चैनल के अंदर आ गया। ये लेवल्स भी मैंने कल ही बनाए हुए हैं आपको और ये लाइन आप इग्नोर कर दिए, वैसे लॉन्ग टर्म लाइन है पर इंट्राडे में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है, पर आप इसे अभी इग्नोर कर दीजिए। ये चीज़ें मैं आपके साथ लेटर कभी स्टेज में ये लेटर कभी आपके साथ शेयर करूंगा कि इनका कैसे इंट्राडे में यूज़ होता है। तो मार्केट फिर चैनल में आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर लेकिन ब्रेक किया, लेकिन बार बार
क्लियर कट ब्रेकआउट हमें नहीं मिला और मार्केट देखिए इसका एग्जैक्टली यहीं पे लोअर साइड थी। ये देखिए कितनी कैंडल, सारी कैंडल्स एग्जैक्टली किस लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रही है, एग्जैक्ट आप चेक कर सकते हैं ना, सबका वही लेवल है 11,110। ये लेवल मैंने आपको कल दिया हुआ था, कल क्या परसों भी दिया हुआ था, परसों भी मार्केट ने एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंग वर्क किया था। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी लेवल्स पे आप देखोगे एग्जैक्ट मार्केट यहीं बार बार टेस्ट करता रहा, एक बार ब्रेकआउट मिला पर वो क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं था, फिर हम दोबारा एंटर हो गए और फिर यहाँ एग्जैक्ट इसी पे देखिए कितना टाइम स्पेंड किया, फिर इसे ब्रेक किया, फिर चैनल के अंडर, फिर इसे फिर टेस्ट किया और फिर हमारा लोअर साइड टेस्ट किया जो था 11,040। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए बाउंस बैक मिला मार्केट को, अपर साइड जाने की कोशिश की, फिर ऊपर से फिर डाउनफॉल आया, फिर यहीं एग्जैक्टली टेस्ट किया, फिर यहाँ से बाउंस आया। तो एग्जैक्ट लेवल पे काम करना, लेवल तो मैं आपके लिए ला के दे रहा हूँ ना, आप बनाना भी सीख जाओगे थोड़े टाइम में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं आपके लिए ला के दे रहा हूँ कि लेवल्स पे वर्क कर लीजिए। तो एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, आज हम ऑप्शन चेंज करेंगे। तो ये हमने इंट्राडे आपको बैंक निफ्टी पहले दिखा दिया, अब मैंने आपको निफ्टी भी शेयर कर दिया कि कैसे मूव्स हुए लेवल्स के लिए। डिटेल एनालिसिस वीडियो जिसमें लेवल्स और सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा वो कल आएगी, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। हाँ, अब वीकेंड है हमारे पास तो काफ़ी टाइम है, तो मैं आज एक और चीज़ चाहूँगा आपसे कि आप वीडियो में आप जो भी स्टॉक्स चाहते हैं ना कि मैं उनका रिव्यू करूँ इस वीकेंड, आप मुझे कमेंट सेक्शन, हम थोड़ा टाइम बाद लाइव भी स्टार्ट करेंगे मैंने कहा था, लेकिन अभी आप वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस स्टॉक का रिव्यू चाहते हैं, आप वो मुझे कमेंट्स में दीजिए, जो मैक्सिमम डिमांड में होगा, जो मैक्सिमम कमेंटेड होगा उन स्टॉक्स का हम ज़रूर रिव्यू करेंगे और वो वीकेंड में आपको मैं एक रिव्यू वीडियो भी लाऊंगा। हो सकता है दोनों वीडियो को कंबाइन करके लाऊं या सेपरेट लाऊं, लेकिन मैं वीडियो लाऊंगा ज़रूर आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को तो लाइक तो आपको करना ही है। जिन में दोनों एनालिसिस करेंगे, डिमांड थी मतलब कि आप वीकली भी एनालिसिस करो और मंथली ओआई का भी एनालिसिस, तो दोनों का एनालिसिस करेंगे, उसकी टेंशन भी मत लीजिए आज फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं वीकली एनालिसिस, सबसे पहले मार्केट 11,100 के आसपास है, अभी वो देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो अभी यहाँ पे क्लियर कट इंट्राडे में तो हम देखेंगे तो 9,26,000 अच्छा वाई डाटा ऐड हुआ है और यहाँ भी पुट राइटिंग हुई है लेकिन 4,00,000, तो 5 इंट्राडे में तो हमें अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा था 11,100, हमारा 11 था 11,110, ऑप्शन चेन में 11,100 अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा था। ओवरऑल ओआई देखेंगे तो वहाँ कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ओनली 2,00,000 का डिफरेंस है। अभी भी आज कोई इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स मुझे दिखी नहीं, क्यों नहीं दिखी, क्योंकि हो सकता है लोगों ने अभी इतनी, लोग ब्रेक भी ले लेते हैं जनरली कि इतनी ज़्यादा अभी एक्सपायरी, मंथ एंड एक्सपायरी हुई है, एक दिन का ब्रेक लेके हम मंडे से दोबारा मार्केट में स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको मंथ एंड डाटा में भी दिखाऊंगा, वहाँ भी इतना ज़्यादा कोई ट्रेड्स हुए नहीं। तो इंट्राडे में यही था कि 11,100 पे तो हमें दिख नहीं रहा है कहीं भी, ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट टोटल ओआई सेम है। इंट्राडे कॉल राइटिंग अच्छी थी तो इसलिए इसके हमें नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। सपोर्ट हमें क्या मिल रहा है, 11,000 पे मिल रहा है भाई अच्छा सपोर्ट, 20,00,000 पोजीशंस है, 4,91,000 न्यू ऐड हुई है, यहाँ भी कॉल रेटिंग हुई 2,33,000 लेकिन ओवरऑल ओआई ओनली 6,50,000 है, तो ऑलमोस्ट 14,00,000 का गैप है, तो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है अच्छा। तो मंडे के लिए सपोर्ट रहेगा 11,000, ठीक है, और मैक्सिमम ओआई भी हमें पुट साइड में 11,000 पे ही दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम कॉल साइड देखें तो मैक्सिमम ओआई हमें दिख रहा है 11,200 पे, ये बनने वाला है रेजिस्टेंस 11,200 अच्छा रेजिस्टेंस, और कॉल राइटिंग बहुत अच्छी हुई है, 13,00,000 पोजीशंस और कैरी भी हुई है और पुट अनवाइंडिंग हुई है, तो ये तो क्लियर कट बता रहा है। गैप भी आप देखिए 20,00,000 का है, तो ये हमारी रेंज मिल गई हमें मंडे के लिए 11,000 से 11,200, और एग्जैक्टली हम थोड़ा 11,100 के नीचे ही क्लोज हुए हैं, 11,073 हमारी क्लोजिंग आई है, तो लोअर साइड में अब 11,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओवरऑल आपको मैंने अगस्त का अपना व्यू बता रखा है कि नेगेटिव है, लेकिन इंट्राडे में तो आपको लेवल्स पे ही काम करना है ना, उसके लिए मैंने आपके लिए सेपरेट स्ट्रेटेजी आपको दे रखी है कि मंथ उस अगर फॉल आता है तो उसका कैसे बेनिफिट उठाएंगे, उसके लिए आपको सेपरेट ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटेजी दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके देख सकते हो। इंट्राडे की इनके मूव्स आ चुके हैं तो फ्रेश ओआई टोटल ओआई ज़्यादा मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंग 11,000 सपोर्ट है, 11,200 अच्छा रेजिस्टेंस है, 11,100 पे कोई भी क्लियर कट व्यू नहीं है क्योंकि ओवरऑल ऑलमोस्ट सेम ओआई है, ओनली 2,00,000 का डिफरेंस है। तो मंथ एंड ओआई का और देख लेते हैं कम्बिनेशन कि वहाँ क्या हो रहा है,
दोनों को कंबाइन करके ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ भी 11,000 पे अच्छा सपोर्ट है, तो 11,000 मंथ में भी सपोर्ट बना रहा है, वीक में भी सपोर्ट बना रहा है, मैक्सिमम ओआई हमारा यही है। तो ये अगस्त सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे एक बार ब्रेक किया तो आप नीचे देखिए कि सपोर्ट है ही नहीं, पोजिशन ही कहाँ है, 6-7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 21, 10,500 पे आ रहा है सपोर्ट, ठीक है। तो 11,000 एक मेजर लेवल होना चाहिए, मंडे को या कभी भी इसे जब ब्रेक करेंगे ना तो डाउन ट्रेंड, अच्छा डाउन ट्रेंड चलता रहेगा। फिर 11,100 अब देख लेते हैं, जो हमारे इंट्राडे में था तो ऑलमोस्ट सेम, इंट्राडे में पुट राइटिंग 2,23,000, कॉल राइटिंग 1,93,000, तो ज़्यादा कोई गैप नहीं है, दोनों साइड सेम पोजिशंस थी, पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। ओवरऑल ओवाई देखते हैं 5,77,000 एंड 11,57,000, तो यहाँ पे भी 6 लाख का गैप है, लेकिन मैंने आपको कहा तब तक ओवरऑल ओवाई में 10 लाख का गैप ना हो ना तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो 11,100 थोड़ा सा सपोर्ट बना रहा है, पर इसके मार्केट अभी डाउन है, लेकिन ओवरऑल ओवाई इतना ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसे भी हम एज अ सपोर्ट अभी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस देखते, 11,200 पे भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये देखिए 11,200, 10 लाख पोजिशंस एंड 13 लाख पुट राइटर्स की पोजीशन ज़्यादा है, दो इंट्राडे में अनबाइंडिंग हुई है लेकिन पुट राइटर्स की पोजीशन ज़्यादा है, फिर भी मार्केट इसके नीचे है। तो यहाँ पे अब बियर ग्रिप बन रही है मार्केट में, ये बता रहा है कि इतने ज़्यादा पुट राइटर बैठे हुए हैं फिर भी मार्केट इसके नीचे है। इंट्राडे में अनवाइंडिंग ने भी कंफर्म किया कि बियर ग्रिप है मार्केट में, बियर्स ज़्यादा स्ट्रांग है मार्केट को, कि ओआई बनने के बाद भी वो मार्केट को नीचे लेके भी जा रहे हैं और वहाँ पे होल्ड भी कर पा रहे हैं। तो ये तो बता रहा है कि बियर ग्रिप अब मार्केट में है। तो रेजिस्टेंस आ कहाँ रहा है, देखिए मैक्सिमम ओआई तो हमारा 11,500 पे है, तो अभी रेंज हम कह सकते हैं 11,000 से 11,500, 11,200 पे भी ये सपोर्ट ही बना रहे, रेजिस्टेंस नहीं है। 11,200 पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, 11,100 पे भी रेजिस्टेंस नहीं है, दोनों साइड में पुट का हुआ है डाटा ज़्यादा है, ज़्यादा होने के बाद भी मार्केट इसके नीचे क्लोज हो रहा है। कल के डाटा में भी ऐसा था, दो मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन कल के डाटा में भी ऐसा ही था। तो आप ये देख सकते हैं कि बियर ग्रिप अब मार्केट में स्ट्रांग हो रही है, ओआई डाटा के होने के बावजूद भी वो मार्केट को नीचे सस्टेन करवा पा रहे हैं, तो ये बता रहा है कि मार्केट नीचे ही रह सकती है। तो फ्रेंड्स ये था आज की ओआई डाटा का एनालिसिस, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डिटेल एनालिसिस आपके आने वाला है कल, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑलरेडी बता दिया कि आप स्टॉक मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी हो तो स्टॉक्स तो आपको कमेंट करना ही है, जो मैं सेपरेट आपके लिए एनालिसिस लाऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सबका ही रिप्लाई करता हूँ। प्रीवियसली देखेंगे तो मैं सबका ही रिप्लाई करता हूँ, अपनी तरफ से मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि सबका रिप्लाई करूँ, जितने लोगों की हेल्प हो सके मैं वो करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।